Yeah, Amrita, welcome to your PDMA. I think recently you are done with your BPSC Assistant Professor Electrical Engineering interview, right? We would like Yes, to sir. know your interview experience. आपका इंटरव्यू कैसे गया था, क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए, इंटरव्यू पैनल में कितने मेंबर्स थे, पहला पहला क्वेश्चन क्या था, और क्रॉस क्वेश्चन दे आस्क क्रॉस क्वेश्चन आर नॉट, सो ये पूरा आपसे हम जानना चाहते हैं. यामा, यू कैन स्टार्ट. सर स्टार्टिंग में जब मैं कमरे में घुसी तो वहां पे 6 लोग थे, 6 पर्सन थे। मुझे लगता है बीच में एक सर बैठे हुए थे, वो मुझे लगता है कि चेयरमैन थे, बीपीएससी के चेयरमैन थे। ओके उन्होंने ये स्टार्ट किया, उन्होंने स्टार्ट किया और सबसे पहले कि ओके आपने 2010 में बीटेक किया है। हमसे यस सर, फिर कहाँ से किया है? तो मैंने बोला यूनाइटेड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, मतलब प्रयागराज से किया है मैंने। फिर बीटेक एमटेक कहाँ से किया है आपने? फिर एमटेक मैंने बताया। फिर एक सर बगल में जस्ट मेरे जो बैठे हुए थे, फिर उन्होंने बोला कि बट आप ये बताइए। हाँ, एक और था कि अच्छा आपने आपका एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि मैंने इस फॉर्म में एक्सपीरियंस अपना डाल रखा था ऑलरेडी, तो फॉर्म ओके शायद मेरा, मुझे लगता है कि मेरा उनके पास था, तो वही उसी से वो पूछ रहे थे। तो वो मतलब वो फॉर्म लेके उन्होंने बोला तो क्या आपने कहाँ से क्या कहाँ का एक्सपीरियंस है आपका? तो मैंने बोला कि सर मेरा मतलब मैंने गोरखपुर में बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 1 साल पढ़ाया है, और 2 साल मैंने मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में गोरखपुर में ही एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पढ़ाया है। तो उन्होंने बोला मुझे कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मतलब आपको एज अ आवर पेमेंट होता था। हम कहे कि यस सर, वहाँ आवर पेमेंट होता था, बट एज अ गेस्ट फैकल्टी वहाँ बोलते हैं, और वो हमारा मतलब इंटरव्यू लेकर ही रिक्रूटमेंट होता है वहाँ पे। फिर एक बगल में सर थे, उन्होंने वही बोला कि आप ये बताइए कि आपका फाइनल जो एमटेक का है उसका जो डेट है, मतलब उसकी टाइमिंग 2014 में है, मतलब उसका जो मार्कशीट है, और आपने 13-14 में एक्सपीरियंस भी है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप उस टाइम पढ़ भी रही थी और पढ़ा भी रही थी? तो मैंने मैंने बोला उनको कि एक्चुअली सर मेरा 2013 लास्ट में ही सारा सबमिशन हो चुका था, जो भी एमटेक का था, बस वो एक फाइनल जो वाइबा होता है उसकी डेट नहीं आई थी, और ये जो 14 डेट है वो हमारा मतलब वो मतलब डिले हमेशा निकलता था कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है आपका 13 मतलब 14 में आपका आया है और आपका एक्सपीरियंस भी है। मतलब तो मतलब उसी में एक सर ने बोला कि अरे सर इसका सेशन 11-13 होगा एमटेक का। हम कहे यस सर मेरा जो एमटेक का सेशन था वो 11-13 था, और 13 में ही सारा एग्जाम रिजल्ट सारी चीजें हो चुकी थी, बस एक फाइनल वाइवा जो होता है थेसिस का वो नहीं हुआ था। एट लास्ट वो सेटिस्फाई थे, बाकी लोग बोले तो वो भी बोले, एक मेरे इधर राइट में भी एक सर बैठे थे कि ओके ओके वो वाइवा और वो सब डिले हो जाता है। तो ऐसे ही वो लोग डिस्कस करके मुझे लगा कि एट लास्ट मतलब उन्होंने बोला ओके अच्छा अच्छा ऐसी बात है, मतलब ऐसा उन्होंने बोला। फिर एक सर जो थे मतलब जस्ट जो चेयरमैन सर थे उनके जस्ट बगल में, उन्होंने बोला ठीक है फिर अमृता आप एक काम करिए, अच्छा आपका क्या था, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइवर का, ठीक है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी कन्वर्टर आप ले लीजिए आप अपने हिसाब से, और फिर आपने, तो फिर मैंने बोला ये चीज कि सॉरी सर अभी मैं उस सब्जेक्ट के टच में नहीं, मतलब मैं अभी ये कंप्लीट कर ही रही थी तब तक बगल में एक सर बोले कि अरे सर उससे पहले पूछिए तो कौन सा सब्जेक्ट, मतलब दो कोई सब्जेक्ट। तो ओके फिर उन्होंने बोला हाँ, तो दे आस्क उन्होंने टू बोला सब्जेक्ट्स कि राइट, कोई दो या सब्जेक्ट या आपसे पूछे ना. हाँ, मतलब वो आपस में बोले कि अरे सर उसको तो पूछिए कि मतलब ऐसे ही आप उसको नहीं बोलिए, मतलब ऐसे ही वो बोले डिस्कस किए। फिर मतलब उन्होंने बोला कि इट्स ओके फाइन, आप एक काम करिए कोई भी आपको जो अच्छा लगे वो आप टॉपिक ब्लैक बोर्ड पे डिस्कस कर दीजिए, मतलब फिर वो सब्जेक्ट भी नहीं पूछे, वो ऐसे बोले कि आपको जो अच्छा लगता है वो आप बोर्ड पे डिस्कस कर दीजिए। तो सर मैं गई बोर्ड पे, तो मैं बोर्ड पे वही डीसी मशीन का आर्मेचर रिएक्शन मैंने डिस्कस करना स्टार्ट किया, फिर मैंने इम्पोर्टेंस बताया। फिर मतलब मैं वही फिर राइट हैंड रूल फ्लेमिंग रूल से सारा स्टार्ट किया मैंने, मतलब कि मेन फ्लक्स और ये कहाँ होता है, मतलब आर्मेचर फ्लक्स,
उसके बाद फिर मैं फाइनल पे आ रही थी कि जो क्रॉस कनेक्शन क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होता है, तो उन्होंने बीच में बोल दिया कि मतलब कंक्लूड करिए मतलब उसको। तो फिर मैं अभी कंक्लूड कर रही मतलब करना शुरू की थी कि वो लोग क्वेश्चन पुटअप करना शुरू कर दिए थे एज अ कि मतलब क्यों होता है, क्या क्या रिडक्शन से क्या होता है मशीन में मतलब तो मैंने बोला कि उसमें हाँ जो वो वोल्टेज जनरेट होता है वो रिड्यूस हो जाता है, टॉर्क रिडक्शन हो जाता है। फिर उसमें बोला कि क्या एलिमिनेशंस होती हैं, तो मैंने बोला कि सर I² R लॉसेस हो जाती हैं, और जो भी हम मतलब स्पार्किंग हो जाती, सही सर स्पार्किंग मैं मिस कर गई थी, मैंने ये बोला कि मतलब डिस्टॉर्शन से लास्ट में मतलब जो मेन फ्लक्स हमारा जो होता है वो कम इफेक्टेड होता है। फिर बोले कैसे एलिमिनेट करेंगे उसको, ये पूछा उन्होंने, तो मैंने वही बोला कि जो रिलक्टेंस है उसको हाई कर देते हैं हम लोग, पोल शू पे रिलक्टेंस हाई कर देते हैं कॉर्नर में, मतलब डिस्टेंस ज्यादा कर देते हैं। और फिर मैंने बोला कि पोल शू में भी रिलक्टेंस हम लोग हाई कर देते हैं कि जो फ्लक्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। और सर मैं वो मिस कर गई थी इंटरपोल और कॉम्पनसेटिंग पोल ऐड करना, मुझे लगता है कि मेरा मतलब यस सर वो मैं मिस कर गई, नहीं बोल पाई मतलब उस टाइम दिमाग में ही नहीं आया मतलब। और ये बोला कि मतलब जो वो होती है क्या क्या नाम है स्टेटर वाइंडिंग जो होती है उसमें हाई पोल हम मतलब हाई पावर का जनरेट करना पड़ता है जो एलिमिनेट एलिमिनेशन मतलब उसके लिए। और सर और हाँ उन्होंने अमाउंट पूछा कि कितना तक रिडक्शन होता है मतलब उसमें फ्लक्स में, तो मैंने बोला 3 to 5% नो लोड टू फुल लोड रिडक्शन होता है। और सर यही हाँ एक जगह और बोला कि आपने ये तो बताया ही नहीं कि आपका जो फ्लक्स है वो डिक्रीज कैसे हो रहा है, तो मैंने वही बोला मतलब आप बता रही हैं कि फ्लक्स आपका ऊपर चला जाता है मतलब कंसंट्रेट हो जाता है, नीचे वीक हो जाता है, क्योंकि सर जब हमारा मैग्नेटिक सेचुरेशन की वजह से जो हमारी इफेक्टिव फ्लक्स होती है फ्लक्स डेंसिटी वो हमारी कम हो जाती है मैग्नेटिक सेचुरेशन की वजह से। तो बोले ठीक है हाँ। और सर एक जगह और उन्होंने पूछा था I² R लॉसेस कैसे होता है, मतलब I² R लॉसेस आप बोल रही हैं कि ज्यादा हो जाता है, तो वही मैंने बोला कि फ्लक्स डेंसिटी जो होती है वो इफेक्ट करता है उस पे मतलब जो पोल शू पे, इस वजह से हम लोग के I² R लॉसेस जो होती हैं वो हमारी ज्यादा हो जाती हैं मतलब लॉसेस होती हैं उसमें। फिर सर बस उसके बाद फिर मैं बोला इट्स ओके ठीक है, फिर आप फिर कहे कि ठीक है फिर जाइए मतलब नो अदर खड़ी। फिर क्वेश्चंस, उन्होंने नो फ्रॉम नो अदर सब्जेक्ट नो आल्सो दे आस्क्ड। ओके, नो ओनली नो कुछ आपने भी आर्म आर्मेचर नहीं, एक्शन रिएक्शन पढ़ाए थे, उसमें से क्वेश्चंस आए, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। नहीं सर हाँ सर बस जो बोर्ड पे मैंने पढ़ाया फिर मतलब वो जो चेयरमैन सर थे वो बोले इट्स ओके फिर जाइए, फिर मैंने फिर मतलब मैं जाने लगी तब तक मैं ब्लैक बोर्ड इरेज करना मतलब तो नहीं ब्लैक बोर्ड इरेज कर दीजिए, हम कहे ओके सर, फिर मैंने ब्लैक बोर्ड इरेज किया और फिर रखा, फिर ओके, सफर खत्म हो गया सर। सो एचआर क्वेश्चंस तो वही है, मतलब आप 2013-14 में पढ़ रहे थे, पढ़ा रहे भी थे, वही। और कोई हाँ क्वेश्चन हाँ एचआर एचआर क्वेश्चंस, आप एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एचआर? नहीं सर कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं, ठीक। नहीं मैंने तो सोचा था कि वो लोग ये पूछेंगे कि जैसे मैं यूपी की हूँ तो इतने साल क्यों नहीं पढ़ाया, जैसे 5 साल आपने नहीं पढ़ाया और ये सब चीजें, तो ये सब तो कुछ नहीं, बस मुझे लग रहा था कि जो मैंने मतलब अगर मैं एक्सपीरियंस उसमें पॉइंट आउट नहीं की रहती तो वो मेरे से एक्सपीरियंस भी नहीं पूछते, मुझे ऐसा फील हो रहा था। वो तो मैंने पॉइंट आउट किया हुआ था उस फॉर्म में, तो इसलिए वो लोगों ने मेरे को एक्सपीरियंस मतलब पूछा कि अच्छा आपने का क्या एक्सपीरियंस है या क्या नहीं, और तो कुछ भी नहीं पूछा मतलब आपका मतलब मुझे लग रहा था कि आप यूपी की है तो आप यहाँ पर कर पाओगे कि नहीं, या ये सब में कोई इंटरेस्ट नहीं मतलब ये सब कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने। ठीक है, ठीक है। थैंक यू अमृता सिंह फॉर योर वैल्यूबल एक्सपीरियंस। थैंक यू।